तीन होता है, और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापन। तो किसी त्रिभुज में हम देखते हैं कि तीन कोण हैं, और हम उन तीन कोणों को नापना है हमें यहाँ पर, या उससे संबंधित कोई जानकारी, उससे संबंधित कोई संबंध पता है, तो इन चीजों का अध्ययन हम त्रिकोणमिति में करते हैं। यहाँ कक्षा दसवीं में हम समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ही त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों की बात करेंगे। यद्यपि त्रिभुज जो होते हैं विषमबाहु भी है ना, समबाहु है, समद्विबाहु है, अधिक कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, लेकिन विशेष तौर पर हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में कैसे, सबसे पहली बात की है समकोण त्रिभुज कैसे बना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यदि हमने एक किरण ये है और एक ये है, इस प्रकार से इन दो किरणों को मैं आगे बढ़ा दूं, और किस बिंदु से यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बना दूं, तो ये कोण जो है ये 90 है, लेकिन इन दो किरणों के बीच का हम ये मान के चलते हैं कि वो थीटा है। और बने हुए त्रिभुज को यदि मैं ए बी सी नाम दे दूं, तो यहाँ पर हम अपनी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां जो हैं उन पर बात करेंगे। तो बच्चों, आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक, कॉट और सेक, ये सारी चीजें सुनी हुई हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये छह निष्पत्तियां आपके पास। सोचा है कि ये छह ही क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं है? तो बच्चों यहाँ देखो कि जब ये समकोण है तो समकोण में 90 अंश के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, जहां पर हमारा कोण थीटा बनता है, और उस सामने की भुजा को हम कहते हैं लंब। तो हमारे पास लंब, कर्ण और आधार, ये तीन भुजाएं हैं, यानी इन भुजाओं के तीन नाम हैं। अब इन तीन को यदि हम भिन्न भिन्न तरीके से जमाएं, यानी लंब को आधार से भाग देते, लंब को कर्ण से भाग देते, आधार को कर्ण से भाग देते, ऐसा जब आप घर में बैठ के फुर्सत से देखेंगे तो हमारे पास छह ही ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा साइन थीटा है बच्चों वो है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा हमारा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा जो है हमारा है लंब बटे आधार, कॉट थीटा जो है हमारा है आधार बटा लंब, सेक थीटा जो है हमारा वो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कॉस थीटा हमारा हो जाता है कर्ण बटे लंब। ठीक, ये इतना आप जानते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसे याद रखने के लिए लाल बटे कक्का ऐसा सिखाया गया हो, ला यानि लंब, आ यानि आधार और ये लंब है, का यानि कर्ण, क यानि कर्ण और ये आधार है। तो हम यहाँ पर ऐसा देख लेते हैं कि सबसे पहला जो है हमारा ला बटे का यानि लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण को कहते हैं साइन थीटा, अ बटे का यानि आधार बटे कर्ण को कहते हैं कॉस थीटा, और ल बटे अ यानि लंब बटे आधार को कहते हैं टेन थीटा। बहुत सारे तरीके होते हैं याद रखने के, जैसे ये लाल बटे कक्का बहुत पॉपुलर हो गया है, ज्यादातर बच्चों को लाल बटे कक्का याद रहता है कि ये लाल बटे कक्का क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा के मान है। तो बच्चों जरा ध्यान देंगे यदि आप, आपको ये दिखेगा कि टेन थीटा, बहुत आराम से देखिए, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा में क्या हो गया, आधार ऊपर आ गया और लंब नीचे चला गया, मतलब टेन और कॉट जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम दिख रहे हैं, व्युत्क्रम दिख रहे हैं,
तो मैं यहीं पर ऐसा लिखूं कि कॉट थीटा जो है वो 1/10 थीटा है, या फिर 10 थीटा 1/cot थीटा है। ठीक है, अब देख रहा, साइन थीटा दिख रहा है लंब बटे कर्ण, और नीचे आइए आप तो आपको कोसेक थीटा दिख रहा है कर्ण बटे लंब। फिर से साइन थीटा है लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, तो ये भी आपको व्युत्क्रम दिख रहा है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि कोसेक थीटा जो है वो साइन का व्युत्क्रम है, या उल्टा बोल दीजिए साइन जो है कोसेक का व्युत्क्रम। ऐसे ही आप देखेंगे तो कॉस थीटा आपको दिख रहा है आधार बटे कर्ण, और यहाँ सेक दिख रहा है आधार बटे कर्ण का उल्टा, कर्ण बटे आधार। तो आपके पास एक रिलेशन ये भी मिल गया कि सेक जो होता है वो 1/cos। तो बच्चों यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहला काम तो ये है कि हमें ये पता चल जाए कि किस अनुपात से हम किस निष्पत्ति को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे साइन थीटा यदि हमें व्यक्त करना है तो लंब बटे कर्ण है, गलती नहीं चल पाएगी कि हम साइन को आधार बटे का कर्ण बोल पाए। साइन मतलब लंब बटे कर्ण है, कॉस आधार बटे कर्ण है, टेन थीटा आपका लंब बटे आधार है, और इसके बाद कॉट सेक और कोसेक क्रमशः टेन कॉस साइन के व्युत्क्रम है। आप चाहें तो इनके व्युत्क्रम करके भी याद कर लीजिए, कि हमें याद करना की जरूरत है ही नहीं, हमें पता है कि ये किस व्युत्क्रम है तो हम उल्टा लिख देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आपको व्युत्क्रम याद है तो आप इन रिलेशंस को भी बहुत अच्छे से जान गए कि कॉट थीटा 1/10 थीटा होता है, सेक थीटा 1/cos होता है, और कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा यदि हम देखें तो हमने देखा कि साइन थीटा जो है वो है हमारा लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा जो हमारा है वो है आधार बटे कर्ण। ठीक है, यदि हम इसको भाग दे दें तो बच्चों आप तो पूरा कर्ण को ऊपर ले जाके करना, लेकिन कभी कभी हम इस तरीके से कि नीचे से हमने हर को काटा तो हमारे पास मिल गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर लंब बटे आधार। आप इसको रफ में करके देखेंगे तो कर्ण पट जाएगा। अब क्योंकि ये लंब बटे आधार आया तो हम यहाँ पर तलाश रहे हैं कि ये लंब बटे आधार क्या था, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हम तो लंब बटे आधार को 10 थीटा जानते हैं, तो एक रिलेशन और आपको पता चल गया कि अरे 10 थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं, साइन को लिखा लंब बटे कर्ण, कॉस को लिखा आधार बटे कर्ण। आप सिंपली चेक कर रहे हो कि होता क्या है, देखते हैं हम कि हम यदि भाग दे दें तो क्या हमें प्राप्त होगा। तो जब हमने भाग दिया तो कर्ण से कर्ण कट गया और लंब बटे आधार मिला। अब लंब बटे आधार क्या होता है या तो आपको याद हो गया होगा, और बच्चों यदि याद नहीं हुआ है तो आपने यहाँ से देख लिया कि लंब बटे आधार तो 10 था, यहाँ पर आपका साइन बटे कॉस का मतलब हो गया 10 थीटा, हो गया कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही यदि आप चाहें तो उल्टा कर दीजिए, ऊपर कॉस लिख दीजिए और नीचे साइन थीटा लिख दीजिए। ठीक है, अब कॉस को आप क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, साइन को आप क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, फिर आपका कर्ण से कर्ण गया तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा आधार बटे लंब। तो बच्चों आधार बटे लंब, फिर आपको यदि याद नहीं है तो आपने यहाँ से देखा कि आधार बटा लंब तो कॉट थीटा, ये कॉट जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर आपका आधा कॉट थीटा। ठीक है,
आपको कहीं आवश्यकता है तो कॉट थीटा को आप 1/10 थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन याद करने के बजाय आप ऐसा सॉल्व करके देखेंगे तो आपको कभी भूल भी जाते हैं तो कैलकुलेशन करना या निकालना आना चाहिए कि कॉट होता क्या है। याद तो है कि कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, लेकिन कैसे? कॉस होता है आधार बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण। हम भाग देके भी देख लेते हैं, तो हमने भाग देके देखा कि आधार बटे लंब आया, इसलिए हमने उसको लिख दिया थीटा बटे साइन थीटा, जो है वो कॉट। इस प्रकार से आपको बहुत सारे रिलेशन इनके बीच में मिल गए कि साइन बटे कॉस टेन होता है, कॉस बटे साइन यदि हम बात करें तो कॉट होता है, कोसेक जो है वो हमारा 1/sin होता है, सेक जो है 1/cos होता है। इस तरीके से हमें ढेर सारी रिलेशंस पता चले और इनका क्या महत्व है, हमें क्यों जानना है। यदि हम आपस में ये रिलेशंस को नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे या याद नहीं रख सकते, तो हम त्रिकोणमिति की सर्व समीकाओं को सिद्ध करने वाली चीज तो हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो कुछ तो ये हैं। अब हम आते हैं और आगे सर्व समीकाओं पर। तो एक सर्व समीका है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, और वो भी ज्यामिति विधि से, ज्यामितीय विधि से सिद्ध करना है। ठीक है, अब ये ज्यामिति विधि का मतलब हुआ कि हम ज्योमेट्री में चले जाएं। तो जब हम ज्योमेट्री में गए तो एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया। बच्चों समकोण क्यों बनाया? क्योंकि हम आपसे बात कर चुके हैं कि यहाँ पर हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आज वो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कोण आपका है थीटा और थीटा के सामने की भुजा है लंब, ये कोण है 90, तो ये इसके सामने की भुजा को हम कर्ण कह रहे हैं और जो थीटा बना रही है भुजा वो हम उसको आधार कह रहे हैं। ठीक है, नाम दे दीजिए, ए बी और सी नाम दे दीजिए। कर लिया इतना? अब के अनुसार चित्रानुसार, चित्रानुसार हम पाइथागोरस प्रमेय, ज्यामिति की बात करें पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे। गोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कितने बच्चों को पाइथागोरस पता है? जरा हाथ खड़ा करना। सब बच्चों को पता है, वेरी गुड। अब इसको दो प्रकार से बोलते हैं ना, एक ऐसे बोलते हैं कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजाएं कौन सी हुई? लंब और आधार। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के यानी लंब के वर्ग के और आधार के। बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से याद होगी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, कितने लोगों को ये पता है कि कर्ण जो है बीसी है? हाथ खड़े करो, बीसी कर्ण है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये हो गया आपका बीसी का स्क्वायर बराबर लंब है आपका एसी, तो एसी का वर्ग धन आधार है एबी का वर्ग। अच्छा, रटना नहीं है कि किताब में यहाँ ये नहीं लिखा था तो हम डर जाएं, ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है, त्रिभुज बनाया, जहां मर्जी हम तब वहां एबीसी लिखेंगे। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर कि चित्रानुसार कोण ए जो है वो 90 डिग्री है, तो लिखने में कहीं गलती नहीं होगी कि कोण ही हमने गलत लिख दिया। ठीक है, यदि कोण ए 90 है तो हमेशा कर्ण बीसी ही होगा, ए हो ही नहीं सकता क्योंकि ए के सामने का होगा वो तो। ठीक, अब इतना आपको समझ में आया, कर्ण का वर्ग यानी कर्ण था बीसी का वर्ग और लंब एसी और आधार था ए। लाना है बच्चों, हमारा एक जो आंख है नजर वो इस पे जरूर होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है,
एक हिंट मुझे मिल रही है कि ये वन चाहिए भाई, ठीक है, यानी बराबर इधर जो अकेला है वो वन होना हो जाना चाहिए, ठीक, और जो दो धन में लिखे हैं वो वन नहीं हो रहे, लेकिन जो अकेला वाला है, देखो एक अकेला है और बाकी के दो हैं, यहाँ बाकी के दो हैं और एक अकेला है, तो ये अकेला यदि वन चाहिए तो भाग किससे दूं? देखते हैं, एक बार हम लिख लेते हैं कि हमें ऐसा मिला BC का वर्ग धन AB का, तो हम क्या करते हैं, BC स्क्वायर से भाग BC स्क्वायर से हमने पूरे में भाग दे दिया। पूरे का मतलब होता है हर पद में अलग से हमें भाग देना है, ये हमने भाग दे दिया। देखो बच्चों ये कैंसिल होके वन आ गया ना, वन तो मिल गया। अब देखना है कि AC बटे BC और AB बटे BC ये साइन और कॉस से मिलते जुलते हैं या नहीं। हम यहाँ क्या था, हमारा त्रिभुज A था, B था और ये C था, ये कर्ण था, ये लंब और ये हमारा आधार था, और ये थीटा था और ये 90 डिग्री था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था लंब बटे कर्ण, हमारा AC और कर्ण था BC। अब साइन थीटा AC बटे BC, तो मैं AC बटे BC की जगह साइन थीटा का स्क्वायर लिख देती हूँ, प्लस आगे देखते हैं कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है, AB, कर्ण है BC, तो AB बटे BC, तो जहाँ AB बटे BC लिखा है वहां पर हम कॉस थीटा लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये चल रही है आपकी राइट हैंड साइड, तो ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। यही हमें सिद्ध करना, एक बार फिर से देख लीजिए, हमें ज्यामिति विधि से ये सिद्ध करना था थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। एक चित्र बनाया हमने, समकोण त्रिभुज था, उसमें लंब कर्ण और आधार सब लिख दिया, साथ ही साथ पाइथागोरस से हम ये जानते थे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो बच्चों कर्ण में मैंने कर्ण जो था BC उसको लिखा, लंब की जगह पे AC मैंने लंब लिखा, आधार की जगह पे मैंने AB आधार लिखा, इतना लिख दिया, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद मैंने ये देखा कि मुझे करना क्या है, लाना क्या है, तो मुझे लाना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर वन, तो ये वन ने मुझे ये बताया कि मुझे भाग किसका देना चाहिए। वन इस तरफ था अकेला, BC स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया, BC स्क्वायर से भाग देने, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया और BC स्क्वायर का भाग मुझे सब में देना पड़ा, दोनों में स्क्वायर है तो मैंने ब्रैकेट के बाहर एक ही बार स्क्वायर लगा दिया और लिख दिया AC बटा BC और आगे लिख दिया AB बटा BC। फिर चेक किया कि AC और BC हैं क्या, तो मुझे पता चला कि AC लंब है और BC कर्ण है, और लंब बटे कर्ण को तो हम साइन थीटा कहते हैं, तो हमने यहाँ से साइन थीटा रख दिया। फिर चेक किया कि AB बटे BC को क्या कहते हैं, तो AB बटे BC में यहाँ से चित्र में चेक किया कि AB क्या था, आधार था और BC था कर्ण, तो AB बटे BC को आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण तो कॉस थीटा होता है, तो AC AB बटे BC की जगह पे कॉस थीटा लिख दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट साइड में जो वन आया इससे हमारी ये जो आइडेंटिटी या सर्वसमिका थी ये काफी इम्पोर्टेंट भी है, इसे बहुत अच्छी तरीके से आप देख, ठीक है। इसके बाद इसी से मिलती जुलती कई आइडेंटिटी है,
बेस हमारा यही रहेगा, जो त्रिभुज हमारा था वही चलेगा, ए बी और सी, ये है आपका आधार, ये कोण है थीटा, ये 90 डिग्री है, इसको हम लंब कहेंगे और इसको हम कर्ण कहेंगे। अब बदल गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा सिद्ध कीजिए। कौन सी विधि से? ज्यामिति विधि से। ठीक है, प्रश्न चित्र वही वाला, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिर से लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यही जानते, कर्ण को हमने लिख दिया BC का वर्ग, लंब हो गया AC का वर्ग और आधार हो गया A। ये तो हमने पिछले सवाल में भी किया, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बच्चों अब क्या लाना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, जहां दो चीजें लिखी हैं उनमें से एक 1 आएगा, और ये जो BC स्क्वायर लिखा है, और मुझे हिंट मिल रही है sec स्क्वायर थीटा लाना है। क्या लाना है? sec। अब आप थोड़ा सा ध्यान करें अभी, तो sec होता क्या है देख लीजिए, वैसे आपको अब याद हो जाना चाहिए। कितने बच्चों को याद है ये सब, ये पूरी टेबल कितनों को याद है, हाथ खड़े करके बताओ, पूछूंगी अभी मैं। वेरी गुड, काफी बच्चों को याद है। sec जो है याद होना बहुत जरूरी है, sec होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण नीचे यदि आधार आ जाए तो मेरी समस्या ही हल हो जाए, ठीक है ना। तो कर्ण के नीचे, ये तो कर्ण है BC, आधार आना चाहिए, तो मैं भाग किससे दे दूं, ढूंढो यहाँ पर आधार कहाँ है, ये है AB, AB आधार है, हम लिखेंगे AB स्क्वायर से भाग देने पर, है ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर थीटा लाने के लिए हमें नीचे क्या चाहिए, आधार चाहिए। कंफ्यूजन में यदि हम लंब से भाग देते या कर्ण से देते, आधार से ना देते, तो हमें काफी टाइम हमारा खराब हो जाएगा। तो सीधा हमें क्या करना चाहिए कि हमें यदि मालूम है कि sec स्क्वायर लाना है वन वाली जगह पे, तो हम सीधे आधार बटे कर्ण बटे आधार के हिसाब से हमने आधार से भाग दिया। तो देखो बच्चों, BC स्क्वायर बटे आधार था हमारा AB स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर और AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। कभी हम मैथ्स में कुछ भाग देते हैं, गुणा करते हैं, तो जो भी समीकरण होता है उसमें हर पद में करते हैं, या ये कहें पूरी लेफ्ट साइड एक सा काम हमें करना पड़ता है, या हम जोड़ें या घटाएं, ठीक है, या हम भाग दें या गुणा करें। तो क्योंकि हमें आधार से भाग देना था लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने राइट हैंड साइड के भी दोनों पदों में भाग दिया। यहाँ पर AB से भी आपका कैंसिल हो गया। अब बचा जो है वो आप देखिए क्या क्या बचा है, यहाँ बचा है BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर प्लस काटने से आ गया था 1। अब देखते हैं हम चित्र में क्या था, ये बराबर AC बटे AB का वर्ग धन 1। हमारा चित्र था ये ACB। हमें क्या चाहिए कि AC क्या है बच्चों और AB क्या है, BC क्या है, ये सारी चीजें जब हमने देखी तो ये है कर्ण बटे आधार, इसका वर्ग
एसी क्या है जरा देख लीजिए, एसी है लंब और एबी क्या है आधार है, तो यहां आपका हो गया लंब बटे आधार, इसका प्लस कितना मिल गया। अब कर्ण बटे आधार को क्या लिखें, या तो आपको याद होना चाहिए या हम दिखा दे रहे हैं। कर्ण बटे आधार सेक होता है, लंब बटे आधार टेन होता है, तो जहां लंब बटे आधार है वहां हम टेन लिख देते हैं, लंब बटे आधार को टेन लिख देते हैं, कर्ण बटे आधार को सेक लिख देते हैं। ठीक है, इसको पहले ऐसा लिख दीजिए, फिर हम होल स्क्वायर को इस प्रकार से लिख देंगे। तो यही हमें सिद्ध करना था, sec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारी दूसरी सर्वसमिका सिद्ध होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे, बिल्कुल आसान है, तीसरी सर्वसमिका भी कि ज्यामिति से विधि से सिद्ध करो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों फिर हम वही करेंगे, हमारा चित्र वैसे ही का वैसा रहेगा। देखिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये थीटा है, इसको हम कर्ण कह रहे हैं, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है। ठीक है, और हल में हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमने बार बार यही लिखा है, एक बार हम कर्ण से भाग दे चुके हैं, एक बार हम आधार से भाग दे चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम लंब से भाग देंगे। एक तो ये आइडिया हमारे पास आया, और दूसरी बात ये है कि हमें क्या लाना है, हमें यदि कोसेक स्क्वायर थीटा लाना है बच्चों, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम पहले चेक कर लेंगे, कोसेक यदि है तो मुझे नीचे क्या चाहिए, तो कोसेक थीटा में कर्ण बटे यदि लंब इसमें आ रहा है हर में, तो सीधी सीधी बात है कि मुझे लंब से भाग देना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो लंब वाला है आपका, यहाँ पहले हम लिख दें बीसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। किससे भाग देना है, क्योंकि लंब से देना है, तो एसी स्क्वायर से भाग देने पर एसी स्क्वायर से हम भाग दे देंगे। देखें क्या होता है, बीसी का स्क्वायर बराबर, इसमें भी आप एसी से भाग दे रहे हैं, एसी स्क्वायर में भी आपने एसी से भाग दिया, और ए बी स्क्वायर इस पद में भी आपने ए सी स्क्वायर से भाग दे। अब आपका ये कट के हो जाए, बचा है आपका ये दोनों वर्गों को हम इस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम चित्र देखते हैं, बी सी ए सी क्या है और लिख देते हैं यहाँ पर बी सी क्या है। देखिए बी सी है हमारा कर्ण, एसी है हमारा लंब, और एबी है आधार। यहाँ पर हम एक चित्र रफ में फिर बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ए बी और ये सी, ये है आपका आधार, ये है आपका लंब, और ये है आपका कर्ण। चलिए देखते जाइए, बीसी यानी आधार बटे लंब का वर्ग बराबर एक धन ए बी क्या है आपका, यहाँ पर बी सी, सॉरी एक मिनट, बी सी आपका है कर्ण बटे ए सी आपका है लंब का वर्ग बराबर एक धन ए बी है आपका आधार और ए सी है आपका लंब।
देख लीजिए फिर से, ठीक है। अब क्योंकि कर्ण बटे लंब को क्या कहते हैं, कर्ण बटे लंब है आपका कोसेक थीटा, और इसका स्क्वायर करना है बराबर एक धन आधार बटे लंब जो है आपका कॉट, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कोसेक थीटा का स्क्वायर ये लिखेंगे, कॉट थीटा का स्क्वायर आप लिख। इस प्रकार से हमने अभी तीनों आइडेंटिटी देखी। पहली क्या देखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। दूसरी हमने देखी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास आई वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। लेफ्ट और राइट का में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर है तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते। ये तीन मुख्य सर्व समीकरण आपको प्राप्त हुई हैं। अब हम इन तीन से और क्या क्या निकाल सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो थी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। अब इससे क्या निकाला आपने, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला मिल गया आपको। या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या कर रहे हैं आप, पक्षांतर कर रहे हैं सिर्फ। मैंने यहां पर कॉस को पक्षांतर कर दिया, एक बार मैंने साइन को पक्षांतर कर दिया, तो ये और ये दो और रिलेशन मिल गए, संबंध मिल गए। सर्वसमिका तो आप यही कहेंगे, इस सर्वसमिका से दो रिलेशन और मिले। कभी आपको आवश्यकता हो तो अंडर रूट निकालने के केस में भी इस तरीके से साइन थीटा बराबर अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दो रिलेशन का भी उपयोग अपने सवालों को हल करने में कर पाएंगे, ठीक है। यही इसका बहुत ज्यादा उपयोग है कि यदि को जानते हैं तो क्या हम उन तीन सर्व समीकाओं से जो संबंध चल रहे हैं उन्हें भी जानते हैं क्या। यहाँ पर हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा की जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का इस्तेमाल कर पाएंगे, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर रख के कभी प्रूफ करने का सवाल है या कोई मान निकालना है उन चीजों में हम उनको देखेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी थी। हम इसे कैसे लिख सकते, वन को आप यहीं छोड़ो, टेन को पक्षांतर कर दो तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। इससे हमें एक रिलेशन मिल गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा वन होता है। या देखिए आप टेन को यहीं छोड़ देते, आप यहीं से देखिए आप वन को वहां ले जाते तो ये हो जाता सेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो कभी हमें आवश्यकता पड़े और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखा हो लेकिन जो सवाल है वो टेन के रूप में चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह पर थीटा लिख सकते हैं, किसकी मदद से, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एक रिलेशन और था, एक आइडेंटिटी थी, उसे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर भी हम पक्षांतर करेंगे वन का तो एक रिलेशन ये आएगा, या हम पक्षांतर करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का तो एक रिलेशन हमें इस प्रकार से मिलेगा। तो थी तो तीन आइडेंटिटी, उनको नौ सूत्र मिल गए, हर एक आइडेंटिटी से दो दो और एक्स्ट्रा बन गए, तो कुल मिला के ये नौ फॉर्मूले हमें मिले। कोसेक स्क्वायर बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस वन बराबर कॉट स्क्वायर, या कोसेक स्क्वायर में से कॉट का स्क्वायर घटाएंगे तो वन आ गया, ठीक है।
अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ और आप उसके जवाब दीजिए मुझे, ठीक है? ये बताइए कि साइन थीटा जो है वो लंब बटे कर्ण होता है या आधार बटे कर्ण? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करिए और अपना माइक चालू करके जल्दी से बताइए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है या आधार बटे कर्ण होता है? उठाइए माइक। हाँ हेलो मैम, बताइए क्या होता साइन है। थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब साइन थीटा बराबर, माइक चालू करिए। बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब। कुछ आवाज नहीं। हेलो, कौन माइक चालू करिए। है मैम? माइक माइक ऑन करिए पहले। हेलो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बता सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? कोसेक और साइन उल्टा, उल्टा है एक का मतलब, उल्टा हो जाएगा। यानी एक बटा हो जाएगा, है ना? हाँ कोसेक मैम, कर्ण बटे थीटा, लंब हो जाएगा। हाँ लेकिन ऐसे बताओ कि कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन हो जाएगा, है ना? हाँ ये सर, बताओ साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन होता कि कॉट होता है? टेन। साइन बटे कॉस टेन होता है, वेरी गुड। और टेन और कॉट क्या होते हैं, क्या क्या संबंध है टेन और कॉट का आपस में? टेन एक कुश्ती हो गई, उल्टी हो और कॉट जाएंगे। ये भी उल्टे होते हैं, यानी सेक और कॉस उल्टा होता है। उल्टा का मतलब होता है एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। कोसेक और साइन एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है और कॉट और टेन एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, ठीक है? और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कोई और बच्चा बताए भाई। पाइथागोरस प्रमेय में किसका वर्ग किस किसके वर्ग के बराबर होता, बताइए। और मैम, हाँ जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब आपको यदि आज के लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कि कहीं पर आपको दिक्कत आई हो। पूछिए बच्चों। आज जो कुछ मैंने यहाँ से बताया उसमें आपको ऐसा लगा हो कि ये दोबारा समझना है या यहाँ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सारा आ गया, वेरी गुड। चलिए बच्चों नमस्कार, आगे घर में भी पढ़ते रहिए।